अभी 24.42 वर्ड पर मिनट है हमारा, और नेट स्पीड जो है इतना हुआ है, ऊपर में देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं सौरभ, आप सभी को चैनल में फिर से स्वागत करते हैं। तो पिछले वीडियो जो हम RRB NTPC के टाइपिंग रिलेटेड डाले थे, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया और पूछा कि हम जो है किस सॉफ्टवेयर पे इस टाइपिंग को लगाएं और कहाँ पे लगाएं। तो आज जो है हम इसके लिए एक डिटेल में बताएंगे कि आप किस सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग प्रैक्टिस करें और कहाँ पे आप मॉक टेस्ट एज ए एग्ज़ाम की तरह लगा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। अभी 24.42 वर्ड पर मिनट है हमारा, और नेट स्पीड जो है इतना हुआ है, ऊपर में देख सकते हैं ये कौन सा फार्मूला लगाता है नेट वर्ड, ये टोटल टाइपिंग बाय डिवाइड माइनस एरर कर देता है और टाइम को डिवाइड कर देता है। तो इस तरह से देखिए, और नीचे हमारा टोटल एरर कितना हुआ ये दिखा रहा है, हमारा एक्यूरेसी जो है 95.32 ये दिखा रहा है, तो और ऊपर में जो है ग्रॉस स्पीड दिखा रहा है, यानी कि टोटल एरर प्लस टोटल एरर और सही मिला के टोटल इतना टाइपिंग हुआ है। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे एकदम बिल्कुल डिटेल दिखाता है। और नीचे अगर हम जाएंगे तो ये दूसरा मेथड है टाइपिंग टेस्ट का, और यहाँ पे देखिए जो हम टाइप किए थे वो वर्ड सारा दिखा रहा है, तो हम कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिस्टेक किए थे। जैसे देखिए, ये एक्सपोर्ट में हम गलती कर दिए थे, W टाइप कर दिए, तो रेड वाला जो है ये बिल्कुल शो करेगा कि आप बिल्कुल पूरा का पूरा गलती किए उसको दिखाएगा, और ब्लू कलर जो है स्पेलिंग मिस्टेक को दिखाएगा। ये बहुत अच्छा है यहाँ से, और फिर यहाँ से चाहेंगे तो आप पूरा फिर से रीटेक कर लेते। तो इसके लिए ये कौन सा वेबसाइट है, कहाँ से हम लगा रहे हैं, तो इसको हम दिखाते हैं। आपको जाना है गूगल पे, और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा टाइपिंग बाबा TY। देखिए, आप शुरू में ही मेरा यहाँ पे सर्च में आ चुका है, तो आप इसी को टाइपिंग बाबा, इस पे जाएंगे वेबसाइट, और सबसे पहले में देखिए यहाँ पे जो दिखेगा इसी पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए टाइपिंग टेस्ट है। आप यहाँ से चाहिएगा तो लेसन भी ले सकते हैं। पहले हम दिखा देते हैं आपको टाइपिंग टेस्ट में, यहाँ पे देखिए इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, बिल्कुल यहाँ से देखिए। आपको भी जो है एग्ज़ाम RRB का एग्ज़ाम जो है, इसमें आपको 10 मिनट का टाइम देना होगा और 300 वर्ड को टाइप करना होता है, और उसमें बैक स्पेस लॉक होता है। तो यहाँ पे देखिए, आप भी जो है बैक स्पेस को लॉक करके यहाँ से डिसेबल कर देंगे इसको, और यहाँ से स्टार्ट इन एग्ज़ाम मोड, और यहाँ से आप एग्ज़ाम मोड में इसको जब स्टार्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है इसको आपको यहाँ पर टाइप करना है, तो जिससे क्या होगा कि, और फाइनली जो है हम शुरुआत में जो दिखाए थे उसी तरह से आपका भी पूरा फाइनली लास्ट में डिटेल दिखाई देगा कि आप कितना वर्ड टाइप किए हैं, कितना एरर हुआ है, सारा चीज़ आपको दिखाएगा। तो जिससे कि आपको एकदम बिल्कुल एग्ज़ाम के जैसा प्रैक्टिस हो जाएगा, तो इससे आसान है। और थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं कि अगर आप बिगिनर हैं तो यहाँ से आप देखिए ट्यूटर है, यहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, हिंदी का भी है, यहीं पर चाहिएगा तो आप हिंदी भी कर सकते हैं। यहाँ से लेसन वाइज दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे जे दिखा रहा है यहाँ पे देखिए तो, और यहाँ पे साथ ही साथ क्या है कि लेसन फर्स्ट है। अब देखिए यहाँ उंगली फिंगर भी दिखा रहा है, अभी हमको कौन सा दबाना है जे, तो चलिए हम यहाँ पे देखिए जे को दबा रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए इस बटन को हम दबाएंगे, और वहाँ पे देखिए जो है ये जे दब गया, फिर से जे दबाना है। एफ देखिए हमारा ये यहाँ पर उंगली का सिम्बॉल दिखा रहा है। तो इस तरह से आप एक एक लेसन लेके भी इसको टाइप करके आप पूरा लर्न कर सकते हैं। इस तरह से आप कंप्लीट कीजिएगा लेसन 1, 2, 3, 4, टोटल बहुत सारा लेसन है 56, और फाइनली इतना करने के बाद जो है आप पूरा का पूरा जो है उसके बाद एग्ज़ाम मोड में जाके आप प्रैक्टिस करिएगा, तो 8 से 10 दिन में धीरे धीरे 10 से 15 दिन जाते जाते आप काफ़ी अच्छा टाइप करने। तो अभी जो है आप देख चुके होंगे कि कैसे टाइप करना है, कहाँ पर जाके प्रैक्टिस करना है, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो वहाँ पे जाएंगे। आप अगर कोई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो काफ़ी बार क्या होता है कि 1-2 मिनट का समय देता है और आपको चार्ज पे करने के लिए कहता है, तो अच्छा है आप ऑनलाइन जाएं और यहाँ पे बिल्कुल लेसन मोड में और एग्ज़ाम मोड में भी ट्राई कर सकते हैं, तो आपको ये एकदम बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये लग रहा है वीडियो आपके लिए कुछ सपोर्टिव है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।